नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और इसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक हिंट भी दिया था कि किस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन का आंसर भी जान लीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था ये कि जो बर्डिजो के स्टेटर है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बर्डिजो के स्टेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, और यही हिंट्स थी आपके टॉपिक के लिए। तो किस में किया जाता है? बधियाकरण में। आंसर उसका ये था, बधियाकरण में। तो सबसे पहले हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, देखिएगा बधियाकरण के बारे में। बधियाकरण ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। अब बधियाकरण जो है, इसकी सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई बधियाकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब बधियाकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिएगा जो सबसे पहले हम लोगों के पास मेन चीज है, बधियाकरण का मतलब ये कह सकते हो कोई भी अगर प्रजनन शक्ति है उसको दूसरी तरफ मोड़ना, जो प्रजनन शक्ति है उसको दूसरी तरफ दूसरे बे में ले जाना। अब दूसरे बे में क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास क्या, किसकी कमी थी? बैलों की कमी थी। जब बैलों की कमी थी कृषि कार्य के लिए, बछड़ों की कमी थी, तो उसके लिए इस शक्ति को, या तो हम जो प्रजनन शक्ति होती है पशुओं में, या तो हम उसको छीड़ करके कहां पर ले जा सकते हैं? कृषि कार्य में ले जा सकते हैं, या तो मांस उत्पादन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है। तो समझ लीजिएगा बधियाकरण होता क्या है। जो बधियाकरण होता है ये आपका मेल और फीमेल, फीमेल में जो किया जाता है वो बैस्किटोमाइजेशन किया जाता है, नसबंदी किया जाता है, लेकिन इसमें जो है मेल में क्या किया जाता है? बधियाकरण किया जाता है। तो अगर हम बात करें बधियाकरण होता क्या है, तो इसमें सीधी सी बात है, जो नर पशु होता है उसके जो नर जननांग होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसकी शक्ति को विछीड़ कर दिया जाता है, छीड़ कर दिया जाता है, और किसमें प्रयोग, प्रयोग के लिए मोड़ा जाता है, या तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या तो मीट प्रोडक्शन के सेक्टर में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो बधियाकरण है उसमें क्या विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं। तो बधियाकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो आपकी होगी वैज्ञानिक विधि और दूसरी देसी विधि। अब वैज्ञानिक विधि और देसी विधि देख लीजिएगा, दो वैज्ञानिक विधि और दूसरा देसी विधि। वैज्ञानिक विधि और देसी विधि, सबसे पहले तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग बाद में हुआ, देसी का पहले हुआ, क्योंकि जो सबसे पहले लोगों ने पशुपालना प्रारंभ किया उसके बाद उसको खेती करने के लिए पशुओं की जरूरत पड़ी, तो फिर देसी विधि में क्या किया जाता था? देसी विधि में जो आपका एक अब तो साधारण है, एक तो आपका है चीरा लगाकर, और दूसरा जो है वो डंडों से पीटकर, डंडों से पीटकर। ध्यान रखिएगा, सबसे बहुत ही कैसी विधि है? हानिकारक विधि है। इसमें पशु को इतना प्रॉब्लम होती थी कि कभी कभी पशु इससे अपनी जिंदगी या जान भी दे देता था। वो कैसे, उसी जो वृषण होते थे उसको, जो सबसे पहले पशु को गिराया जाता था, गिराए जाने के बाद उसको डंडों की सहायता से उसको वृषण को क्या किया जाता था, टेस्टिस जो होते थे उसको क्या किया जाता था, पीटा जाता था। और जब पीटा, इतना पीटा जाता था, इतना पीटा जाता था कि इसकी जो शुक्र वाहिनियां हैं वो क्या हो, नष्ट हो जाएं, तब उसको छोड़ा जाता था। इसमें पशु को बहुत ही दर्द होता था, कभी कभी इसमें पशु की मृत्यु हो जाती थी। तो बहुत ही हानिकारक विधि। पूछा जाता है बधियाकरण की ऐसी कौन सी विधि है जो पशु के लिए बहुत ही कष्टकारी है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें डंडों से पीटकर, डंडों से पीटकर, अब जो ये है कैसी है, सबसे हानिकारक विधि, सबसे हानिकारक विधि, सबसे हानिकारक विधि है, क्योंकि इसमें पशु की मृत्यु भी कभी कभी हो जाती थी, और इसमें पशु को जो कह सकते हो पेन बहुत होता था, बहुत ही कष्टकारी विधि। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसमें, वैज्ञानिक विधियों में। जो वैज्ञानिक विधि की अगर बात की जाए तो देखिएगा,
वैज्ञानिक विधि में आपका आता है बर्डिजो कैस्ट्रेटर। सबसे पहले देखिएगा वैज्ञानिक विधि में क्या आता है, बर्डिजो कैस्ट्रेटर। बर्डिजो कैस्ट्रेटर आपका एक हो गया, दूसरा जो हो गया आपका इलस्ट्रेटर या रबर का छल्ला, बर्डिजो कैस्ट्रेटर। अब देखिएगा जो बर्डिजो कैस्ट्रेटर है वो क्या होता है। देखिए ये एक यंत्र है और वैज्ञानिक यंत्र पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बधियाकरण की वैज्ञानिक विधि का नाम बताओ, तो क्या बर्डिजो कैस्ट्रेटर। इसमें आपका ये कह सकते हो कि जो आपने देखा होगा प्लास देखा होगा उसी तरीके का एक यंत्र होता है, और इससे क्या किया जाता है जो टेस्टीज होते हैं उसमें जो स्पर्मेटोजोआ सेल्स पाई जाती हैं या ये कह सकते हो कि जो शुक्रवाहिनियां पाई जाती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है और वो अक्रियशील हो जाती हैं, समझ गए हो ये। और इसके बाद है इलस्ट्रेटर या रबर का छल्ला। ये क्या होता है, ये एक रबर का छल्ला होता है जिसे इलस्ट्रेटर कहते हैं। अब इसका भी वही कार्य है, इसको टेस्टिस के ऊपर वृषण के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और ऊपर चढ़ा दिया जाता है इससे क्या होता है जो जो भी टेस्टिस है उसमें क्या रुक जाता है, क्या रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त का बहाव है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जब रुक जाता है, जब उसको रक्त मिलना बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक वो सूख जाते हैं, और जब सूख जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, अक्रियशील हो जाते हैं, क्रियाशील नहीं रहते हैं। ठीक है, तो बहुत पूछा जाता है ये कि बधियाकरण की वैज्ञानिक विधि का नाम बताओ, तो क्या है, बर्डिजो कैस्ट्रेटर। ये तो हो गया बधियाकरण। अब इसमें देखिएगा कि जो बधियाकरण है उससे क्या कैसे प्राप्त होता है। एक तो आपने देखा है कि सांड होता है, दूसरा बैल, और तीसरा टीजर बुल। ये तो आपने देखा होगा कि जो इसमें कोई क्रिया नहीं की जाती है। नर होता है, जैसे ही गाय ने बच्चा दिया, नर पशु है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तैयार हो जाता है सांड, तैयार हो जाता है बुल जिसको बोलते हो। ठीक, अब बुलाक की अगर बात की जाए तो जो बुलाक है बैल किसके थ्रू तैयार होता है, कैस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, कैस्ट्रेशन मतलब बधियाकरण के थ्रू, जो बधियाकरण करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, बैल प्राप्त होता है। अब ये टीजर बुल क्या है, टीजर बुल क्या है भाई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें भाई, आपके पास सांड भी हो गया बैल भी हो गया टीजर बुल है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कैसे तैयार किया जाता है। जो ये तैयार किया जाता है वो नसबंदी की जाती है, नसबंदी के थ्रू, वैस्किटोमाइजेशन के थ्रू क्या तैयार होता है, टीजर बुल। अब देखिएगा इसका तो आपको पता है प्रजनन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, या तो आपको कह सकते हो खेती के लिए कर सकते हैं, या तो बधियाकरण किया हुआ तो मीट प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अब टीजर बुल का प्रयोग किस में किया जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो जो टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है वो जो उसमें किया जाता है, जो साइलेंट हीट वाली काऊ होती है उनको पता लगाने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि जो टीजर बुल है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, साइलेंट हीट, समझ रहे हैं, साइलेंट हीट क्या होता है, जो गाय गर्मी पर होती है लेकिन वो अपने लक्षण प्रकट नहीं करती है, अपने लक्षण प्रकट नहीं करती है और हम लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं, तो उसकी पहचान लगाने के लिए, या ये कह सकते हो क्वेश्चन जो बनता है कि शर्मीली गायों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी, शर्मीली गायों का। ठीक है, साइलेंट हीट आपका हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, टीजर बुल का। अब टीजर बुल का प्रयोग है ये कैसे करता है भाई, नसबंदी कर दिया गया तो नसबंदी में ये ध्यान रखिए, नसबंदी में क्या होता है कि जो इसमें ये ध्यान रखिए, इसमें शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन जो नसबंदी में शुक्राणियां होती है उसको काट के बांध दिया जाता है जिससे कि वो रास्ता उनकी अवरुद्ध कर दी जाती है और वो बाहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन इसमें जो शुक्राणु की प्रक्रिया ही नहीं होती है, बनते ही नहीं है। ठीक है, यहां पर शुक्राणु बनते हैं तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पहचान कैसे लगाता है, मान लो सपोज दे 100-200 गायों का एक झुंड है, हर्ड जिसको बोलते हैं, भाई छोड़ दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया,
चढ़ने के लिए, ठीक है, साथ में। अब ये अपना साथ में घूमता रहता है, चढ़ता रहता है। अब जैसे ही ये पता लगाता है, इसको लगता है कि ये गाय हीट पर है, और आपको आपने नहीं अगर उसको पहचान पाया भाई, अगर उसने आवाज़ नहीं की या कोई अन्य सिम्टम्स है अगर वो नहीं शो किए, तो ये बुल क्या करता है, टीजर बुल उस पर सर्विंग की क्रिया करता है। सर्विंग की क्रिया समझ ही रहे हैं आप लोग, तो सर्विंग की क्रिया जो करता है तो उसमें क्या करता है, तो इससे पहले छोड़ने से पहले इसको क्या किया जाता है, जो कलर होता है इसके निचले गर्त में जो कलर है लगा दिया जाता है अच्छे से। और जैसे ही ये सर्विंग की क्रिया करता है तो जो ये कलर है इसके निचले पैरों के नीचे और पिछले पैरों के बीच में जो गर्त होता है वहां पर लगा दिया जाता है। जैसे ही ये सर्विंग की क्रिया करता है तो जिस भी गाय पे करता है तो क्या होता है, उसके पीठ पर क्या लग जाता है, कलर लग जाता है। और जब कलर लग जाता है तो बस जैसे ही गायों का झुंड आया, आपने देखा कि किस किस के ऊपर कलर लगा है, आपने उसको एक तरफ कर लिया और आवश्यकता अनुसार आपको किसके किस नस्ल का पशु है या किस नस्ल की आपकी जो ब्रीड है तो उसी नस्ल के मेल से बुल से उसका ब्रीडिंग का करा दिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि शर्मिली साइलेंट हीट ऑफ काऊ, या इसको कह सकते हो कि शर्मिली गाय का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो हो जाएगा आंसर टीजर बुल, ठीक है, आंसर आपका टीजर बुल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि जो आयु है बधियाकरण की आयु, तो वो आपका डिपेंड करती है कि जो डिफरेंट ब्रीड हैं एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट ब्रीड है उसके अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें इसमें बछड़ों में बात करें तो जो सर्वोत्तम आयु है वो लगभग 1.5 वर्ष है। लेकिन ये अगर बधियाकरण की प्रक्रिया की जाए तो 6 माह से प्रारंभ कर सकते हैं, 6 माह से लेकर लगभग 2 वर्ष तक, ठीक है। 1.5 वर्ष जो है वो सर्वोत्तम आयु है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मुर्गा होता है, बहुत पूछा जाता है कि मुर्गे में बधियाकरण की विधि कहलाती है, देख लीजिएगा, मुर्गे में बधियाकरण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, केपोनाइजेशन, केपोनाइजेशन मुर्गे में बधियाकरण की विधि कहलाती है, केपोनाइजेशन। बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बधिया किए हुए मुर्गे को क्या कहते हैं, देख लीजिएगा, बधिया किए हुए मुर्गे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपोन, बधिया किए हुए मुर्गे को क्या कहते हैं, कैपोन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो पूछा जा चुका है जो सीप होती है, भेड़ होती है, भेड़ के मेल को जो बधिया किया जाता है उसके उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जो उसको कहते हैं वेदर, या पूछ दिया जाता है कि वेदर किसे कहते हैं, तो सदैव याद रखिएगा वेदर किसे कहते हैं, जो भेड़ में जो नर को क्या किया जाता है, बधिया किया जाता है, उसे बेदर कहते हैं। और ऑप्शन में कहीं कहीं रैम दे दिया जाता है तो लड़के क्या कहते हैं, ये इसको लगा देते हैं अधिकतर लड़के, तो ये क्या है, गलत है, याद रखिएगा बेदर सही है। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में, जो फीमेल में क्या किया जाता है, वो नसबंदी किया जाता है, नसबंदी किया जाता है ना, तो फीमेल में क्या किया जाता है कि रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल। अगर बात की जाए जो
फीमेल मादा होती है उसमें जो ओवरी होती है उसको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है हटाने की क्रिया, देखिएगा, रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल, रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल क्या कहलाती है बताइएगा, जो रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल जो कहलाती है वो है रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल इज कॉल्ड, तो इसमें क्या कहलाएगा, कौन सी क्रिया कहलाएगी, स्पेइंग, स्पेइंग कहलाती है। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मादा है उसमें ओवरी हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पेइंग कहलाती है, ओवरी निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पेइंग कहलाती है। अब जब ओवरी निकल जाती है जिस मादा की तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेड, स्पेड बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है कि स्पेड क्या होता है, स्पेइंग क्या होता है, और ये आपका है जितने भी आपने अभी तक पशुओं की नस्लें पढ़ी है सारी, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, भेड़ हो या बकरी हो, सब में क्या होगी, क्रिया स्पेइंग होगी, और जो क्रिया हो जाने के बाद, ये क्रिया हो जाने के बाद क्या कहलाएगी, स्पेड कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो, देखिएगा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें कि जो पशु है, अब पशु की अगर बात की जाए तो ये तो था, ये अब पशु को कैसे पहचाना जाए, पशु को पहचानने की कुछ विधियां हैं। पहले समय क्या होता था, पशु छोड़ दिए जाते थे, देख लीजिएगा, पशुओं को पहचानने की विधियां, पशु को पहचानने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, या चिन्हित करने की विधियां कह सकते हो, ठीक है, पहचानने की जगह चिन्हित करने की, या कोई निशान लगा दिया जाता, तो सबसे पहली विधि कौन सी है, रंग लगाकर, कलरिंग मेथड, कलरिंग मेथड, कलरिंग मेथड क्या है, रंग लगाकर कोई भी पशु है उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले अगर झुंड में चढ़ने छोड़ा जाता है, दो चार दस लोग अगर जाते तो उसमें सब लोग अपना अलग अलग कलर लगा देते थे, तो ये सबसे आसान विधि है, सबसे सबसे सस्ती व आसान विधि, सबसे सस्ती व आसान विधि है कौन सी, रंग लगाकर। बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चिन्हित, पशुओं को चिन्हित करने की ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे सस्ती या आसान विधि है, तो कौन सी है, रंग लगाकर। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है टैगिंग मेथड, दूसरा है टैगिंग मेथड, टैगिंग मेथड में क्या होता है, टैग लगा दिया जाता है, तो टैग समझ रहे हो ना कि टैग है उसको, जैसे आपका जो बकरी है या भेड़ है, ये प्रक्रिया उसमें की जाती थी टैगिंग मेथड में। जो नेक्स्ट है आपकी वो है ब्रांडिंग विथ हॉट आयरन, जो ब्रांडिंग विथ हॉट आयरन, देखिएगा जो ब्रांडिंग विथ हॉट आयरन, ब्रांडिंग विथ हॉट आयरन मतलब जो एक लोहे की छड़ होती है उसको क्या करते हैं, गर्म करके दागना, यह आपके बड़े पशुओं में की जाती है, या बाई नंबरिंग भी, नंबर की प्लेट नीचे लगा दी जाती है उसमें लोहे की छड़ में, या 100 नंबर या 99 नंबर जो भी है, 88 नंबर जो रखना चाहते हैं लगा दिया जाता है, और बैक जो पुट्ठा होता है उस पर लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका मेकिंग बाई टैटोइंग, अब टैटोइंग की बात आ रही है, कोई चित्र बनाकर पशु की जो पीठ है उस पे
या कोक है उस पर कोई चित्र बना दिया जाता है तो वो टैटूइंग के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी बार पूछी जा चुकी है, ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग क्या होता है? ईयर नोचिंग जो होती है वो आपकी मेनली भैंस में अपनाई जाती है। जो कान होता है, कान का किनारा काटा जाता है, उसमें बी शेप दिया जाता है, कान के किनारे में ये बी शेप बना दिया जाता है, काट दिया जाता है कान का किनारा इस तरीके से, तो भैंस में ये अधिकतर अपनाई जाती है ईयर नोचिंग। अब हम अगर बात करें कि छोटे पशुओं में, जैसे कि आपका बिल्ली हो गया या कुत्ता हो गया, तो उसके लिए बहुत बार पूछा जाता है बिल्ली या कुत्ते को चिन्हित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो कौन सी? पट्टा, बैंडिंग। बैंडिंग मतलब बैंड, समझ रहे हो, पट्टा, पट्टा विधि। बैंडिंग मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी बिल्ली है या कुत्ता है इसको क्या किया जाता है, गले में जो रबड़ का होता है, पट्टा होता है, उसको पहना दिया जाता है, रबड़ का पट्टा पहना दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा और उससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।